जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी एवं पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं सभी आगंतुकों के द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर विश्वामित्र पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज के वंचितों एवं शोषितों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज की सामाजिक व्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरे वक्ता प्रोफेसर अजीत कुमार तिवारी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्रीय योग्यता एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में उनके योगदान पर ध्यान आकर्षित किया। उसमें वर्गों को पैदा करने की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि उनके बाद उनके अनुयायियों ने कोशिश की। मुझे लगता है इस बात को पुनः गंभीरता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता। और बाबा साहब जितने बड़े कानूनविद थे उससे बड़े अर्थशास्त्री थे। अभी अजीत तिवारी जी ने कुछ उनके जो सुप्रसिद्ध, चाहे PhD की उनकी थीसिस हो, चाहे MA में उनका डिसर्टेशन हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उससे बड़े इतिहासविद थे। एक उदाहरण देता हूं, 1950 का समय था जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के ऊपर जानने समझने की कोशिश शुरू की थी। और आप सब जानते हैं अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 वर्ष तक वो लगातार विमर्श करते रहे। यदि उनको भारतीय सनातन धर्म में रोष होता, जैसा कि आज दिखाया जा रहा, यदि उससे परेशानी होती तो उनको 2 मिनट लगकर किसी भी दूसरे धर्म में जाए। 6 वर्ष, 2 अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, एक श्रीलंका में और एक संभवतः ताइवान में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय कहां पर था। 2 अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पूरे विश्व के बड़े बड़े बौद्ध विचारकों के साथ उन्होंने विमर्श किया। लगातार 6 वर्षों तक बौद्ध धर्म का वो अध्ययन करते रहे। फिर उनको लगा, और इस संदर्भ में जब उनके लिटरेचर को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, स्पेशली 1950 और 1956 के बीच में अम्बेडकर के दिमाग में चल क्या रहा, वो चाह क्या रहे थे, वो क्या भारत में तत्कालीन समाज में जो अस्पष्टता थी, जो छुआछूत था, जो ऊंच नीच थी, जो सामाजिक विद्रूपता थी, जो कमियां थी, उनको दूर करना उनका उद्देश्य था, या जातियों के बीच में संघर्ष पैदा करना उनका उद्देश्य था, या हिंदू धर्म को नकारना उनका उद्देश्य था। ये 3 बड़े प्रश्न हैं जिनको उत्तर लोग नहीं देते। अगर हिंदू धर्म को सिर्फ नकारना उनका उद्देश्य होता तो उस समय जिन्ना सबसे बड़े नेता थे इस्लाम के, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार बाबा साहब से मुलाकात की कि आप इस्लाम धर्म कर। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम आपको जो है मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता मान लेंगे, लेकिन बाबा साहब ने किसी भी अब्राहमिक रिलीजन को नहीं अपनाया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बहुत सारे और छोटे छोटे रिलीजन है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी के, और बहुत सारे कैथोलिक्स ने उनको कॉन्टेक्ट किया, इस्लाम के लोगों ने उनको कॉन्टेक्ट किया, लेकिन बाबा साहब ने अल्टीमेटली बौद्ध धर्म में जाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि